हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एएसपी व सीओ कैंट राहुल भाटी ने कैंट थाने पर रात्रि चौपाल लगाया। इस दौरान कैंट थाने पर आयोजित रात्रि चौपाल में अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए तथा कुछ मामले जाम की समस्या को लेकर आए। बुधवार को थाने पर भूमि विवाद से संबंधित आए मामलों का सीओ कैंट ने दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मौके पर निस्तारण कर दिया तथा बाकी शेष मामलों का अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने बेतिहाता चौराहे पर जाम की समस्या को निस्तारण के लिए चौकी प्रभारी बेतिहाता को निर्देश दिए, जिसके संबंध में एएसपी व सीओ कैंट राहुल भाटी ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर जनपद के 18 थानों पर रात्रि चौपाल लगाया गया है, जिसके तहत मेरे द्वारा कैंट थाने पर रात्रि चौपाल लगाया गया। उन्होंने कहा, रात्रि चौपाल में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी थानों पर जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे तथा उसका निस्तारण करेंगे, जिससे जनता और पुलिस के बीच आपस में समन्वय स्थापित हो सके। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी अवधेश चंद्र मिश्रा सहित अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट राहुल भाटी ने कहा, सर एक हफ्ते में क्योंकि एक बार सर लखनऊ जाना पड़ेगा, नहीं है क्योंकि इनके कुछ गवर्नर हो गए भारतीय तो सफाई सर, उसी में सर एक बार जाना पड़ेगा सर। फाटे के लिए 337 का टर्म जी सर, एक हफ्ते में करेंगे, एक हफ्ते में सर 337 परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से कि नहीं अभी नहीं, पिछले साल से हम दौड़ रहे हैं। एसएसपी के हैं वो, लास्ट टाइम कंप्लेन किए थे तो वहाँ पे आईजी पोर्टल पे उन्होंने बताया था, वहाँ पे चौकी से रिपोर्ट लगा दी थी उन्होंने, ट्रिपल एम इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ से रिपोर्ट तो लगाई थी जो मेरे पास है। वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, हमें भी 2-3 महीने की छुट्टी मिलती है तो आके फिर ये देख रहे हैं, जमीन पे जाए तो फिर वो लोग झगड़ा करने को तैयार हैं।
की थी भाई आर्मी जाँच गई इंजीन कल खुश हो गई थी, उसमें कुछ धारा नहीं लगी थी वो बढ़ाने के लिए, फिर हमने कंसल्ट कर वो अभी बढ़ी नहीं, हम चाहते हैं उसको जल्दी से मोटेशन भेज दीजिए ताकि फिर हम लोग निश्चित हो शासन की मंशा के अनुसार एसएसपी महोदय द्वारा जनपद में प्रत्येक थाने पर हर बुधवार को राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजपत्रित अधिकारियों को जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना है, उसके बाद कुछ जो गंभीर विषय हैं उनमें विवेचकों के साथ वादी से बात करनी है, उसके बाद जो बीट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी कार्यप्रणाली, उनकी जो कार्यविधि है उनकी समीक्षा करनी है, कितनी उनको जानकारी है, किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा थाने की ओवरऑल वर्किंग के बारे में जानकारी लेनी है। और इसमें राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थाने पर ही रात भर रहकर वहीं प्रवास किया जाएगा और जो भी वादी आएंगे, कंप्लेनेंट आएंगे, उनके लिए 24/7 हमेशा उपस्थित रहेंगे। सर आज चौपाल में किस तरह के मामले हैं? मेनली जो मामले थे वो 419-20 जमीनी विवाद थे, एक दो मामले बॉडीली ऑफेंसेस भी थे जो 323-504 324-25 मारपीट से संबंधित भी थे, इनमें से काफ़ी समस्याओं का निस्तारण किया गया है। कुछ जो समस्याएं हैं वो राजस्व विभाग से संबंधित हैं तो उनके साथ पत्राचार किया जाएगा। सर कुछ व्यापारियों द्वारा जान की समस्या भी बताया गया है? वेतियाता चौकी पर कुछ व्यापारियों के द्वारा ऑटो रिक्शा चालक जो हैं उनके द्वारा जाम का बताया जा रहा है, तो संबंधित चौकी इंचार्ज को बता दिया गया है कि वो जो पीक टाइम होता है जाम का उस समय उपस्थित रहकर जाम को क्लियर करवाएं और दुकानों के सामने वो खड़ा ना होने।